खबर दुर्ग से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम जीत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने सीएम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के पिता नंदकुमार बघेल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने विशाल केक काटा। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी के प्रति आभार जताया, साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं, सभी किसानों को सही मूल्य मिल रहा है। वहीं बीजेपी के आंदोलन को लेकर कहा कि विपक्ष को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, करने दो, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि 15 साल सत्ता में रहे और जो वादे किए थे, क्या वह वादे पूरा कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, उनको हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी सरकार ने जो वादा किया है एक एक करके पूरा कर रहे हैं, उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हमर सरकार वो दिशा में काम, जंगल में जावे तो कर मंबर योजना लगभग उपज खरीदे के, तो लोगों के जेब में पैसा है, भूमि श्रमिक है, तो कतको जन वर्मी कंपोस्ट जबरदस्ती दे देगा, जबरदस्ती नहीं तो जरूरत है तो खेत के 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर में जो मतावत रहे तब जो रोपा लगे थे मन कहा ठीक से मताए नहीं है, और आज 2 साल हो गए वर्मी कंपोस्ट डालत आराम से रोपा लगा। पूरे प्रदेश भर के कोने कोने से हमारे जनप्रतिनिधि भी आए थे, पार्टी कार्यकर्ता आए थे, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यापारिक संगठन, अनेक संगठन के लोग भी आए थे, छात्र भी आए थे, मजदूर साथी भी आए थे, किसान भी आए थे, व्यापारी और उद्योगपति भी आके मुख्यमंत्री निवास में सबने बधाई दी। और पाटन क्षेत्र में हमारे साथियों ने आयोजित गाँव महुदा में मेरे जन्मदिन का कार्यक्रम आयोजन किया। पिछले 25-30 साल से लगातार यह आयोजन हमारे साथीगण कर रहे हैं और उसको निरंतर बनाए रखें, तो आज महुदा में भी इसका आयोजन हुआ और सभी प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस साल मेरा जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ साथियों ने मनाया।